और माँ बेटे के रोने से तंग होके मैं फाइनली ने ले आया श्रीनगर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। नहीं, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कश्मीर। तो तबीयत थोड़ी नाजुक थी, एक तो वो नौशिया वाली फीलिंग थी और ऊपर से डिलीवरी के बाद आई हैड सम इश्यूज, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट दर्द भी हो रहा था, तो वो इमोशन सिंक इन नहीं हो रहा था। पर कल रात को बिना अलार्म के सोए, सुबह 7:45 उठ गए। फिर उठने के बाद जो वो फीलिंग सिंक इन हुई कि भाई हम कश्मीर में हैं और कोलकाता से कश्मीर आना, वो भी रोड ट्रिप और 1 year old के साथ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो एक अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आ रही है, आई एम ओवरवेल्म्ड। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए, ब्रेकफास्ट में रोटी और सोया वड़ी थी और चाय ऑमलेट ब्रेड। इसका प्लान है कि हम थोड़ा लंच के पहले निकलेंगे, लंच करेंगे, फिर हम डाल लेक जाएंगे। एंड सो वैन इज़ फीलिंग स्लिपी, वो भी सुबह सुबह उठ गया, उसको कॉर्नफ्लेक्स खिला दिया, अभी उसको थोड़ा सुला देंगे एंड देन आई प्रिपेयर हिज मील। हाई गाइज, इट्स 12:30 नाउ एंड स्टोवन इज असलीप और उसका मील बन रहा है। आई एम गेटिंग रेडी नाउ एंड देन वी लीव फॉर लंच एंड देन टू डाल लेक। हेलो, सो इट्स 1:30 नाउ और हम निकल गए हैं, फर्स्ट जा रहे हैं मुगल गार्डन्स। इट्स क्लाउडी टुडे। हेलो Hello, right handsome. Then slide left onto Gupta. Take the next right onto Boulevard Road. सो गाड़ी पार्क करके हम लोग अभी मुगल निशत गार्डन की तरफ जा रहे हैं। मुगल, यहाँ दो गार्डन्स हैं, एक मुगल निशत, एक मुगल शालीमार, बट वी आर गोइंग टू मुगल निशत बिकॉज दैट इज ऑपोजिट टू डाल लेक। इससे डाल व्यू है, उससे डाल व्यू नहीं है, तो सोचा इधर ही एंड एक बैड न्यूज़ है आज। एक्चुअली कल हम लोगों का गुलमर्ग जाने का प्लान था एंड ऑब्वियसली गोंडोला राइड लेने का भी, तो गोंडोला राइड अगर वहाँ जाके ऑन स्पॉट टिकट्स लोगे तो दैट विल टेक मच मोर टाइम। तो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी का भी इशू रहता है, पर ऑनलाइन लेने से इट बिकम्स ईजियर। तो आज जब सप्तशी वो बुक करने के लिए वेबसाइट पर गए तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मेंटेनेंस की वजह से गोंडोला राइड्स आर गोना रिमेन क्लोज्ड फॉर 3 days स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो जिस टाइम पे पता चला उस टाइम पे निकल अगर जाएंगे तो भी पॉसिबल था राइड, बट आज के लिए कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं थे। और हमने बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया बट इन नो वे मतलब इसको फिट कर पा रहे हैं हम अपने प्लान में, तो शायद गोंडोला मिस ही जाएगा हमारा। एंड लुक एट दिस, पीछे फाउंटेन भी एक सिंक में जा रहा है। देयर आर मेनी स्मॉल ईटरीज एंड सुवेनियर स्टॉल्स ओवर हियर। कहां गाड़ी जाना का? नो नो जाना।
beautiful garden with a backdrop of the mountains. And there's the Dal Lake. यहाँ पे वो कश्मीरी ड्रेस पहन के आप लोग फोटो ले सकते हो. बट द थिंग इज पीपल की पेस्टरिंग यू अ लॉट व्हिच आई पर्सनली डोंट लाइक. थैंक यू भैया. सुभान को कार में ही लंच करवा दिया था. लुक एट दिस ब्यूटिफुल ट्री जिस पे सबने बैग्स लटका दिए हैं. It's very windy, guys. Mughal Garden ke opposite. And this is chicken biryani, trying for the first time in Kashmir. Ek food truck dekha, bhook kafi lag gaya because it's almost 3 o'clock. Aur momo bhi order kiya. Right beside Dal Lake. Good drive. The one that we get in kebab mein haddi kind of. Isi hotel mein reh jaate hain aur nahi jaate. Mera mood vaise bhi theek nahi nikal raha tha right ke liye. So flight ka bhi pata nahi hai. Khajiwa glacier ka kaafi kuch sun raha hu. 3 km ka trek hai to shayad hoga na. So I am a little disappointed today. कल बहुत रश था तो जिस होटल में हमको रहना था वहाँ पे बुकिंग नहीं था, सिर्फ कहीं भी बुकिंग नहीं था. तो फाइनली हमको ये JKTDC में रूम मिला. वहाँ भी बेस्ट वाला नहीं मिला जो हमको चाहिए था, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा रूम है. तो सप्तशी का मन था कि आज अगर अवेलेबल हो तो हम अच्छे होटल में जाएंगे. बट द रूम इज़ आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग, क्योंकि फिर से लगेज लो जाके उधर सेट करो. इधर से उतना अच्छा व्यू नहीं है. माउंटेन दिखते हैं पर उतना अच्छा व्यू नहीं है. That's it. So, वहीं पे रुक जाते हैं और खाने पीने के बाद जाएंगे शिकारा राइड पे. गाड़ी की हालत देखो गाइस, एकदम मिट्टी से भरपूर. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द शिकारा राइड. पार्किंग गेट नंबर 13 के ऑपोजिट में है और यहाँ सारे शिकारास पार्क्ड हैं. हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 11 पे. सो द कॉस्ट इज 600 फॉर अ शिकारा, जिसमें 1 आवर राइड है. 1 आवर पे वो काफ़ी लोकेशंस पे लेके जाएंगे तुमको. बीच में एक मार्केट में लेके जाएंगे विच इज़ फॉर हाफ एन आवर, दैट इज़ नॉट चार्जेबल. सो टोटल राइड होगा 1.5 आवर का. बस आप भी खुश, मैं भी खुश. सो दिस इज़ अ राइड फॉर द इवनिंग. ये वाला हाँ हाँ और ये तो मजा बच्चे. अच्छा एक दे दो. तो कश्मीरी कावा भी हाथ में आ गया. हाँ जी, ये यहाँ पे आपका फर्स्ट साइट से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट इसको कहते हैं. ये लेक के इस पार्ट को कहते हैं गोल्डन गुलफाम लेक. गोल्डन गुलफाम लेक इसीलिए कहते हैं 1991 में यहाँ पे एक सीरियल, फेमस सीरियल शूट हुआ था पहला, वो गुलगुलशन गुलफाम नाम से सीरियल था. ठीक है सर, वो इस हाउस बोट में शूट हुआ. वो देखो गुलफाम, हाँ गुलफाम हाउस बोट में वो शूट हुआ था सर. ठीक है सर, ओके. तब तक ना कोई पिक्चर यहाँ पे बनी थी ना कुछ, फर्स्ट सीरियल था जो बना था इधर श्रीनगर में जो बना था. और गोल्डन क्यों कहते हैं सर, जब रात के टाइम, दो वजह है, जब रात के टाइम यहाँ पे लाइटें चलती है
तो पानी पे जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उससे वो गोल्डन एंड कलरफुल दिख जाता है, ये सारा इस ये बनाता है। और दूसरा क्यों कहते हैं, सेकंड क्यों कहते हैं, जो सनसेट का टाइम रहता है पूरा पानी गोल्डन का रहता है। सनसेट डायरेक्टली पानी पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट करता है गोल्डन, दो वजह इसमें इसे कहते हैं गोल्डन लेक, गोल्डन गुल्फम। हाँ आज तो ऊपर से ही बारी। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे आपका सेकंड नेहरू गार्डन आएगा, ओपन डल लेक आएगा, ऐसे ऐसे आएगा लेक श्रीनगर में। दिस इज अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, हैट्स ऑफ टू इंडिया पोस्ट। पूरे एशिया में खाली एक ही है जो इधर पाया जाता है। ओके, ये अभी भी वर्किंग है। ओके, नेहरू पार्क के वहां पे विजिट करते हैं सर, अगर टिकट विकेट का टेंशन नहीं है। अच्छा, जब जब फूल खिले, मिशन कश्मीर, आरजू, दो बदन, कश्मीर की कली, रूप तेरा मस्ताना, ऐलान जंग, फितूर, हैदर, नोटबुक, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स की शूटिंग यहाँ पे शूट हुई है। वो फेमस सॉन्ग तो सुना ही होगा सर आपने, फ्लोटिंग मार्केट मीना बाजार में आपको देखने को ए टू जेड मिलेगा। okay. जो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा सर, जो हैंडीक्राफ्ट का आर्ट जो कहीं नहीं। ओ अच्छा, ये हाँ, वो आप पिक्चर भी देखिए। हाँ हाँ, मेरी बात सुनो सर, ये यहाँ से स्टार्ट होता है फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट स्टार्ट हो रहा है सीआरपीएफ कैंप, मतलब जोड़ी जोड़ी वीडियो। जब ये यहाँ पे इवनिंग में होता है ना सर, हाँ इवनिंग में होता है, तो यहाँ पे चारों तरफ से लाइटें होती है सर। ओके, घूम तो हम लोग रहे हैं पर इसका फीडिंग टाइम भी हो गया, इसका खाना चालू। अनिंदिता का ये क्वालिटी मुझे मस्त लगता है, शी नेवर मिसेज स्तुवान्स फीड, एवरीथिंग ऑन टाइम। तो हम लोग आए हैं फ्लोटिंग मार्केट में, एक ये नहीं कर... यहाँ से हमने एक शॉल खरीदा जो अभी मैंने पैक करके रख दिया है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। कैसा लगा मैम? शॉप्स तो बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा है, मतलब लालच। कोलकाता से चल रहा है, अच्छा इधर कश्मीर में पानी में भी आके नहीं छोड़ रहा है, ट्रैफिक जाम। देयर इज अ डेडलॉक। ये जो द नट हाउस है, यहाँ से हमने ड्राई फ्रूट्स खरीदे, ये भैया जी ने हमको बेचे, थैंक यू। बहुत अच्छा कलेक्शन है इनका। हाँ जी, एंड कंपनी है यहाँ पे, वॉलनट वुड के वुड कार्विंग्स होती है, तो वही हम दे आते ही इस पे नजर पड़ी। लुक एट द वर्क गाइज, it's so fine. so this top deck opened, there was a top deck and isko abhi sir ne nikala. yes sir, everything is beautiful but ye to matlab aate hi pehle nazar pad gayi is pe. apna board sir ji bataye ki wahi gulmarg hai. We are about to end the ride. काफ़ी शॉपिंग वगैरह हुआ, स्तुवान के लिए एक जैकेट भी ले लिया जाते जाते।
तो ये आमिर भैया हैं, इनने हमको शिकारा में घुमाया। अगर अच्छा लगा तो आप और भी उनको इनवाइट करिए कश्मीर में आने के लिए। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। और आमिर का नंबर हम लोग के पास है, कोई अगर आके शिकारा राइड लेना चाहते हो तो बहुत रीजनेबल प्राइस पे ये घुमाते हैं। कोई बात, थैंक यू। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डाल लेक एंड होटल बस 800 मीटर दूरी है, सो दैट्स वेयर होटल कॉम्पोश इज। हेलो, तो आज ऑफिस का बहुत काम आ गया था मेरे को भी और सप्तशी को भी, तो हम आज वही लेके बैठे हैं, तो ज़्यादा कुछ और व्लॉग हुआ नहीं। तो आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं गुलमार्ग में।